हेलो फ्रेंड्स, आगे को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं मोगरा प्लांट की केयर और हैवी ब्लूमिंग से कैसे ली जाए। आप मेरे प्लांट की हाइट देखिए, छोटा सा प्लांट है और उस हिसाब से इसमें काफ़ी सारी बर्ड भी हैं और फ्लावर भी हैं। तो देखिए फ्लावर का पैटर्न देखिए, काफ़ी अच्छा इसका पैटर्न है, देखिए साइड से। और देखिए कलियाँ देखिए आप इसमें, देखिए। तो आपको ऐसा क्या काम करना है कि आपका इतना प्लांट जो है पूरा फ्लावर से भर जाए। देखिए सबसे पहले आपको अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसको मिले, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसमें जब सॉइल प्रिपरेशन करें तभी आप इसमें कंपोस्ट डाल दें। देखिए इसके बाद से मैंने अभी तक कोई भी कंपोस्ट नहीं डाली है। हालांकि हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दो तरीके का यूज़ करते हैं, एक गोबर की खाद का बना करके और एक जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके नीचे का जो लिक्विड होता है उसको यूज़ करके। तो आप ये दो काम कर सकते हो। सबसे पहले सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम आप प्लांट के अपने की प्रूनिंग करते रहिए, जिससे कि प्लांट जो है आपका एक अच्छा बुशी बना रहे। और गुड़ाई करते रहिए, हर 2 दिन बाद इसमें गुड़ाई होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी वीड वगैरह नहीं ग्रो हो। ओवर वाटरिंग ना हो, पानी तभी दे जब ऊपर की जो सॉइल है वो खुश्क हो गई हो, सूख गई हो, तभी आपको पानी देना है। और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होने देना है सॉइल को, कि आपने नीचे तक देख रहे हो बिल्कुल सॉइल ड्राई है। इससे क्या है, पूरी इम्यूनिटी वो अपनी जान बचाने में लगा देता है, फिर वो रिवाइव होता है तो इतनी ताकत नहीं रहती है प्लांट में। बस यही चीज़ हम लोग 2-3 चीज़ों का यदि आप लोग ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी प्लांट मरेगा नहीं और कभी भी कलियां झड़ेंगी नहीं, लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। अब जैसे ये फ्लावरिंग हो गई, अब ये बरसात में फ्लावरिंग देगा। बरसात में कुछ अलग केयर होती है इसकी, अलग अलग केयरों के हिसाब से। मैंने एक चीज़ गौर करी, मेरे सामने पार्क है उसमें ये प्लांट लग रहे हैं, सारे शेडी एरिया में लग रहे हैं। मतलब लगाए तो धूप में ही होंगे लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े दरख्त आ गए तो शेड बन गया है नीचे, तो वो प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे लेकिन ग्रोथ इतनी अच्छी कर रहे हैं और एकदम लश ग्रीन कलर की, ठीक है। और फ्लावर एक तो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं दे रहे हैं। और ऐसे प्लांट तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करनी चाहिए कि पूरा भर जाना चाहिए। तो पार्क में हम लोग, यदि आप कमेंट करोगे तो पार्क में जो प्लांट्स हैं उनकी केयर बताएंगे और विद रिज़ल्ट हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन प्लांट से फ्लावरिंग लेनी है, बड़े बुशी प्लांट से। तो सबसे पहले यदि आपका भी प्लांट शेडी एरिया में है तो उसे जल्दी फटाफट से धूप में ले आइए। और इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, साक्षात मैंने कटिंग से ग्रो किया है ये वाला प्लांट। आप ये वाला प्लांट देख रहे हो, उसको मैंने कटिंग से ग्रो करा था। फ्लावर इसमें काफ़ी गठा हुआ फ्लावर आता है, खुल भी नहीं पाता, इतना हैवी फ्लावर है। फ्लावर आने के बाद मैंने ऊपर से कट करा, तो ये देखिए साइड में से ग्रोथ निकल करके आई है। और ये साथ साथ अम्ब्रेला जो मैंने उगाया था लेकिन मर गया था, उसकी रूट पड़े पड़े इसी में ही दोबारा से जर्मिनेट हो गई। तो बरसात में आपको दिखाएंगे इसकी भी अच्छी सी ग्रोथ तो स्टार्ट होगी, तो आपको ज़रूर हम लोग दिखाना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ने आपको ऑर्गेनिक जो आप गार्डनिंग करोगे तो इसमें प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए तुलसी का प्लांट जो है अपने आप ग्रो हुआ था मैंने पिछली वीडियो में, बहुत छोटी छोटी सी सैपलिंग्स थी, उसके बाद का आप इसमें रिजल्ट देख सकते हो। मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं करा है, ये साइड में ही लग रहा है और आप इसकी ग्रोथ देखिए। और इसी के साथ मैंने एक ट्रांसप्लांट करा था, उसमें भी मैंने कुछ मिस्टेक करी थी, फुल सनलाइट ये पसंद नहीं करता है। आप इसको 1 घंटे की धूप मिनिमम सफिशेंट रहती है और उसको शुरू की जो गर्मियाँ होती हैं लगातार वो गर्मी पड़ती रही। और वो प्लांट आपको मैं दिखाऊँ तो वो ये देखिए, छोटा सा बुशी प्लांट है लेकिन क्यूट लगता है मेरे को। ये देखिए हाइट में थोड़ा छोटा रह गया है लेकिन बुशी बहुत ज़्यादा प्लांट है। तो इनको सेव करके हम लोग जो है न्यू प्लांट्स रेडी करेंगे कटिंग से। जैसा कि पता है आपको, मैंने पिछले साल भी अपने प्लांट जो है रेडी करे थे, साथ ही साथ मैंने जो है बैगन के सीड्स भी रेडी कर लिए हैं, सेपलिंग्स रेडी हो रही हैं।
देखिए ये सैपलिंग्स रेडी हो रही हैं मेरी, कुछ सैपलिंग्स रेडी हो रही हैं, इतनी भी काफ़ी होती हैं, कुछ प्लांट्स तो इसमें से बन ही जाएंगे, ठीक है। और ये वाला मोगरा का मेरा प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा मर रहा था, क्योंकि फुल सनलाइट में रखा था, जून जुलाई की आपको पता ही है गर्मियाँ, तो मैंने पूरा प्रून करा था। प्रून करने के बाद आप इसमें ग्रोथ देख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे इसमें जो है कीड़ा भी दिखाई दे रहा है। नहीं, ये इसकी जो न्यू लीव्स हैं ये ख़राब हो गई थी, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, प्रून कर दिया है मैंने। प्रूनिंग करने के बाद इसमें ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ये देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ये देखिए सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है लगभग। और कट करा हुआ मैंने नीचे लगा दिए थे, तो नीचे भी इसने जो है यहाँ पर प्लांट ने ग्रोथ कर लिए। ये थोड़ी मैच्योर नहीं थी तो ये ख़राब हो गई हैं। और साथ ही साथ अपडेट थोड़ा बहुत दिखा दे रहे हैं हम लोग फटाफट। ये देखिए हिट की पोर्टल में भी हम लोग प्लांट लगा सकते हैं। ये स्मॉल पोर्चुला जो पिछले साल मेरे गार्डन में था, जो लिटिल फ्लावर्स देता है, वो मैंने बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी इतनी सी, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसमें भी। और साथ ही साथ इधर भी जो है सैपलिंग्स मैंने लगाई हैं, बीन्स की मैंने लगाई हैं, अभी तक तो कोई ग्रोथ है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। साथ ही साथ मेरे आप जेड प्लांट को देख सकते हो, फॉक्सटेल की तरह इसकी ये वाली ब्रांचेज हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई हैं। यदि आप चाहते हो कि दोबारा इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आएँ, और जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा, इस वीडियो के नीचे हम लोग लिंक डाल देंगे, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा किस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर करें और इसको बुशी करें। उम्मीद है आप सब लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। मेरा ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है ये पूरी ख़राब हो रही है। तो बस आज की अपडेट यही था, और जो अभी नए आए हैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।